जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। वचन कहता है, ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहां से वो उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है, तो हमसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, ये वचन क्या बताता है हमें? ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किस तरीके से हमारा और हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको अपने राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के सुनिश्चित एक योजना है। देखिए, यीशु मसीह ने योजना के तहत 12 चेलों को चुना, उनको निर्देश दिए, उनकी बुद्धि खोली, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, उनको परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन उनको यूं ही नहीं छोड़ दिया। उनको निर्देश देकर यीशु मसीह खुद उनके नगरों में गया, उनके परिवारों के पास गया। क्यों गया? ताकि वो बता सके कि मैंने तुम्हारे चेलों को चुना है, मैं तुम्हारे बच्चों को चुना है, अपना चेला बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तुम भी मन फिराओ, तुम भी अपने आप को सुदृढ़ करो। दोस्तों, यीशु मसीह उनके परिवारों को सुदृढ़ करने के लिए गया था, उनको बताने के लिए गया था कि परमेश्वर कौन है। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे बच्चों को चुना है, तुम्हारे बच्चों ने संसार को छोड़ा है और परमेश्वर के राज्य में आए हैं, उसी तरह तुम भी परमेश्वर में सुदृढ़ हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, क्योंकि इस परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके राज्य में आओ। दोस्तों, सोचिए कि जब हमारे कलीसिया में कोई भाई आता है, कोई बहन आती है, कोई नई आत्मा आती है जिसको परमेश्वर चुनकर हमारे पास भेजता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पर एकाग्र करते हैं, हम सिर्फ उसी को देखते हैं, हम सिर्फ उसी को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, वचन बताता है कि हमें उसके परिवार के पास भी जाना है, उनके परिवारों को भी हमें सुदृढ़ बनाना है, उसके परिवारों को भी हमें शक्तिशाली बनाना है, उनके परिवारों को भी परमेश्वर के प्यार के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में बताना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह यही करता था। जब्ती के पुत्रों की दोनों मां अपने दोनों पुत्रों को लेकर यीशु मसीह के पास आई और क्या कहती है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दाईं और बाईं बिठाते। लेकिन आप सोचिए, वो मरियम जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया था, जो जानती थी कि यीशु मसीह कैसे उसकी कोख में आए हैं, जो जानती थी कि परमेश्वर की योजना क्या है, वो जानती थी कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर आच्छादित हुई है और बिकॉज ऑफ दैट यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो जानती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। फिर भी मरियम नहीं आई क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाओं को जानती थी, परमेश्वर के प्यार को जानती थी, परमेश्वर की शिक्षा को जानती थी, इसलिए वो नहीं आई। इसलिए नहीं आई, उसने कहा कि याकूब और यहूदा को यीशु मसीह अपने दाहिने और बाईं ओर बैठा। जब सैनिक, जब महायाजक के सिपाही, जब पिलातुस के सिपाही यीशु मसीह को मार रहे थे कोड़ों से, मरियम दूर से देख रही थी, उसको दर्द हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन वो गई नहीं, उनके हाथों को नहीं रोका, वो चिल्लाई नहीं कि मेरे बेटे को मत मारो क्योंकि मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है। वो जानती थी कि यीशु मसीह निष्पापी है, वो जानती थी कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर की यही योजना है, वो जानती थी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर क्यों भेजा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारा परिवार, हम जाने कि सताव आएगा तो हमें किस तरीके से प्रक्रिया करनी है, सताव आएगा तो हमें किस तरीके से जीना है, और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवारों को हमारा साथ देना है ताकि हम सताव में घबराए नहीं, हम परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं, हम अपने जीवन को चलाएं। इसलिए दोस्तों, आज से हम अहद कर लें कि जो हमारे पास भाई है, हमारी बहन है, जो हमारे कलीसियाओं में है, हम सिर्फ उन्हीं पर एकाग्र ना करें, हम सिर्फ उन्हीं को तवज्जो ना दें, हम उनके परिवार को भी दृढ़ करें और शक्तिशाली बनाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरी योजनाएं अद्भुत हैं, और हम प्रार्थना करते हैं तेरी योजनाएं हर भाई हर बहन के दिल को छू लें ताकि वो जाने कि तू कौन है। यीशु मसीह के पवित्र स्वर्ग के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन।